बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ वी डिस्कस लिमिट कंटिन्यूटी एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन लिमिट। बिफोर लॉकडाउन आई थिंक के मैंने आपको लिमिट वेक्टर में बताई होगी, अगर नहीं कराई की तो मैं अभी दोबारा बताती हूँ। सो बिफोर डिफाइनिंग द लिमिट, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, अब कम्प्लेक्स डिस्कस हो रहा है। नाउ फंक्शन इज कम्प्लेक्स व्हेन जी अप्रोचेज टू जी नॉट, देन फंक्शन अप्रोचेज टू सम डेफिनेट वैल्यू, सम डेफिनेट कम्प्लेक्स नंबर। सो मीन्स व्हेन फंक्शन अप्रोचेज टू सम डेफिनेट वैल्यू, देन दैट डेफिनेट वैल्यू इज कॉल्ड लिमिट ऑफ दैट कम्प्लेक्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखें, लिमिट एफ ऑफ जी जी अप्रोचेज टू जी नॉट, व्हेन जी अप्रोचेज टू जी नॉट दिस फंक्शन अप्रोचेज टू दिस वैल्यू और दिस डेफिनेट वैल्यू, से यू कैन राइट हेयर डब्ल्यू नॉट और एल, कुछ भी लिख लें, ठीक है। इन यू कैन आल्सो राइट दिस एज व्हेन जी अप्रोचेज टू जी नॉट, देन फंक्शन अप्रोचेज टू डब्ल्यू नॉट, मीन्स व्हेन जी क्लोज टू जी नॉट, जब जी जी के पास जा रहे, जी के क्लोज जा रहे, देन फंक्शन आल्सो क्लोज टू W node, and you can write this limit definition in modulus form as when there is very small distance between limit and the function, means function bilkul limit ke paas chala jaye, and distance between these two points is very small, where epsilon is very very small number, very very small positive number, and when function when the f of z minus omega node is very small, then distance between z and z node is also very small, because delta is also a very very small positive number. Now we discuss this limit definition. And remember one thing, in limit function may or may not defined at the point where you want to find the limit as z node. You want to find here limit at z node, function may or may not defined at that point, but defined in the neighborhood of that point in limit. But in continuity, function must defined at that point where you want to find the continuity. राइट लिमिट में क्या है कि जिस पॉइंट में लिमिट फाइंड करनी है, फंक्शन उस पॉइंट पे मे और मे नॉट डिफाइंड। कंटिन्यूटी में क्या है कि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, फंक्शन उस पे मस्ट डिफाइन। रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। नाउ से दिस एग्जांपल, दिस इज रफ एग्जांपल, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस वन ओवर जी प्लस योटा। नाउ यू वांट टू फाइंड द लिमिट एट द पॉइंट माइनस योटा। इफ यू डायरेक्ट पुट माइनस योटा प्लस योटा इज जीरो, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड टर्म, सो मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दिस टर्म एज दिस नंबर। तो मे आर मे नॉट लिमिट डिफाइंड, तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफाइन नहीं है तो लिमिट भी ना हो। लिमिट फाइंड करने के लिए फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सो फर्स्ट सिंप्लीफाई द फंक्शन, यू कैन राइट दिस जी स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जी स्केयर माइनस एओटा स्केयर, एंड एओटा स्केयर इज माइनस वन, सो माइनस माइनस प्लस वन अगेन बिकम दिस वन, सो जी स्केयर माइनस एओटा स्केयर इज रिटर्न एज जी प्लस एओटा, जी माइनस एओटा ओवर जी प्लस एओटा, कैंसल दीज टू टर्म्स, देन यू गेट जी माइनस एओटा। नाउ सब्सिट्यूट, दिस इज अ सिंप्लीफाइंग फॉर्म, नाउ पुट माइनस एओटा हेयर, देन यू गेट माइनस एओटा एंड गेट द आंसर माइनस टू एओटा, विच इज द लिमिट ऑफ दिस वन। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट, बट द लिमिट एग्जिस्ट। दिस प्रूव्स दैट इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन, यू वॉन्ट टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, then it is not necessary that function is defined or not is defined at that point. Function may or may not defined at that point, but defined in the neighborhood of that point. Remember this point, okay. Now there is an important theorem, if the limit of the function exists then it is unique, means if the limit of any function exists then that is unique. Limit किसी भी direction से आप find करें, limit unique आनी चाहिए। इसे हम prove करते हैं। आपको मैंने limit symbolically भी लिख के दिखाई थी और modulus form में भी लिख के दिखाई थी। Suppose the limit is not unique, इसके prove में आप suppose कर लेते हैं unique नहीं है, means this function has two limits, z approaches to z naught, then function has w1 and again is w2, मतलब दो limits हैं। तो दो limits है तो symbolically अगर उसको लिखेंगे मॉडुलस फॉर्म में, एफ ऑफ जी माइनस ओमेगा वन, दो लिमिट्स है ना, ओमेगा वन ओमेगा टू, मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन की जगह आप एप्सिलॉन बाय टू भी लिख सकते हैं, बिकॉज एप्सिलॉन बाय टू इज आल्सो पॉजिटिव नंबर। आप नहीं लिखना चाहते, आप एप्सिलॉन लिख लें, नो प्रॉब्लम। वेन एवर जी माइनस जी नॉट इज लेस देन डेल्टा वन, यहाँ मैंने कहा था ये मॉडुलस पॉजिटिव होता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने, क्योंकि वो दूसरी भी उसी की लिमिट है डब्ल्यू टू, तो उसके लिए भी इसको मॉडुलस फॉर्म में लिखें, एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू टू इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, फिर उसके लिए भी वेन एवर दिस वन, ठीक है। अब आपने डेल्टा एक्स
स्मॉल डेल्टा ले लें जो मिनिमम है इन दोनों का, डेल्टा वन डेल्टा टू का, उसके लिए हम देखते हैं कि डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन क्या आता है। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी प्लस डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन। अपने पास से हमने एफ ऑफ जी प्लस कर दिया माइनस कर दिया, कटेगा तो वही आ जाएगा, नो डिफरेंस। अब एफ ऑफ जी में ये माइनस डब्ल्यू वन इकट्ठा कर दो और माइनस एफ ऑफ जी प्लस डब्ल्यू टू कर दो। अब देखो इस मॉडुलस में दरमियान में प्लस है और ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है ट्राइंगल वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी, तो इसको आपने जब सेपरेट करना है मॉडुलस को, जैसे वो जी वन प्लस जी टू मॉडुलस पढ़ा था तो आपने उसे किया था लेस देन इक्वल जी वन मॉडुलस जी टू मॉडुलस, इसी तरह मैंने किया लेस देन इक्वल इसका मॉडुलस प्लस इस टर्म का मॉडुलस। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ और याद रखो, डब्ल्यू टू माइनस एफ जी हो या एफ जी माइनस डब्ल्यू टू हो मॉडुलस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को देखो, मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, ये चीज़ है लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ये लेस है एप्सिलॉन बाय टू, आप इसको भी एप्सिलॉन लिख सकते हैं, फिर ये टू एप्सिलॉन हो जाएगा। मींस के डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन लेस देन एप्सिलॉन आएगा या लेस देन टू एप्सिलॉन आएगा। नाउ एप्सिलॉन इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, सो एप्सिलॉन इज़ अ वेरी वेरी, मतलब ये आपके पास आ रहा है, यहाँ अगर टू भी आ जाए आपकी डेफिनेशन के मुताबिक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एप्सिलॉन इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अब कोई चीज़, कोई रकम, कोई मॉडुलस लेस देन है ऑर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर से, मतलब कोई भी स्मॉल से स्मॉल पॉजिटिव नंबर जो है उससे छोटा जीरो ही होता है, तो इसका मतलब दिस वन इज इक्वल टू जीरो, व्हेन दिस वन इज इक्वल टू जीरो देन डेफिनेटली डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन, हैंस प्रूव्ड लिमिट्स आर इक्वल, डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन कोई डिफरेंट लिमिट्स नहीं है, ये दोनों लिमिट्स इक्वल हैं। इसके बाद क्या थ्योरम, इसके बाद थ्योरम है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो मैंने बताया था कि जैसे जी एक्स प्लस योटा वाई होता है, इसी तरह से एफ ऑफ जी यू प्लस योटा वी होता है, उसके अंदर एक्स वाई भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं बिकॉज जी इज आल्सो एक्स वाई, बी डिफाइंड इन अ डोमेन डी एक्सेप्ट पॉसिबली एट द पॉइंट जी नोट। वो कह रहा है कि फंक्शन है वो डिफाइन है डी में और हो सकता है जी नोट पे ना हो, और लिमिट जब उस फंक्शन की फाइंड करनी है तो वो जो डब्ल्यू नोट है तो वो भी कम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप यू नोट प्लस एटा वी नोट की फॉर्म में भी लिख सकते हो बिकॉज जो वैल्यू आनी है लिमिट की कम्प्लेक्स नंबर आना तो वो भी एटा की फॉर्म में होगा। जैसे एफ ऑफ जी को यू प्लस एटा वी कहते हैं, मैंने वहाँ डब्ल्यू नोट कहा हुआ है तो उसको यू नोट प्लस एटा वी नोट कह दो। ठीक है, वो कहता है दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ द u ऑफ z इसका जो u होता है उसकी लिमिट इक्वल टू दिस वन हो और लिमिट ऑफ v जो इसके अंदर है इज इक्वल टू v नोट हो, मींस इसके जो कम जो रियल पार्ट है उसकी लिमिट इसके रियल पार्ट के इक्वल है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी लिमिट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। मतलब क्या है उसका कहने का, उसके कहने का मतलब यह है कि अगर ये u प्लस योटा v है तो इसके रियल पार्ट की लिमिट इसके बराबर आनी चाहिए और इमेजिनरी की इसमें, पहले इफ एंड ओनली इफ का मतलब है पहले ये ले लें कि एग्जिस्ट करती है और प्रूव कर दें इन दोनों को, फिर ये दोनों ले लें और प्रूव कर दें दिस वन। राइट, नाउ वी सी द प्रूव ऑफ दिस वन, प्रूव इसका बेटा बहुत सिंपल है, सपोज डैट लिमिट एग्जिस्ट, डब्ल्यू नोट को हमने यू नोट प्लस योटा वी नोट लिखा, एग्जिस्ट करती है एग्जिस्ट, तो कोई एप्सिलॉन होगा कोई डेल्टा होगा जिसके लिए एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू नोट इज लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर दिस वन। अब जब ये चीज़ है तो एफ ऑफ जी यू प्लस योटा वी है और ये यू नोट प्लस योटा वी नोट है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। अब मैंने इसके रियल इमेजिनरी पार्ट अलहदा किए, अब ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका रियल पार्ट भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, इमेजिनरी पार्ट भी लेस देन एप्सिलॉन होगा और उधर वही चीज़ आती जाएगी। अब इसके ये जो रियल पार्ट है इसके साथ अगर मैं इसको लूँ तो इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ यू इज इक्वल टू यू नोट, और अगर इसके साथ इसे लूँ तो लिमिट ऑफ द फंक्शन वी इज इक्वल टू वी नोट, मतलब इसको उसने अलहदा करके दिखा के फिर उसने इससे बना ली लिमिट, इसका मतलब प्रूव हो गया। कन्वर्सली इन दोनों को ले लो उसी का उल्ट, ये मैंने कन्वर्सली ले लिया, कन्वर्सली इसको मॉडुलस फॉर्म में इस तरह लिखूंगी, फिर मैंने एप्सिलॉन बाय टू ले लिया ताकि मेरे पास एंड में एप्सिलॉन आए, आप एप्सिलॉन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ लगा दी, इसी तरह से मैंने इसके लिए ये चीज़ लगा दी। अब मैं प्रूव करूंगी कि एफ ऑफ जी माइनस एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन मैं कहती हूँ उसको, सॉरी ये डब्ल्यू नोट है, ओके, एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू नोट जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन आता है, इसी को टू इसको एफ ऑफ जी की जगह वैल्यू यू प्लस योटा वी माइनस यू नोट प्लस योटा वी नोट, इसको सेपरेट करो। ये देखो अंदर जी कभी लगा देती हूँ कभी नहीं लगाती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये आज फिर वो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने लगी हूँ मॉडुलस की, अभी ओटा इसके अंदर हो ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने प्लस हो जाना है, फिर ये आ जाएगा इधर एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू, ये तो एप्सिलॉन हो गया, मीन्स दिस वन इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, ये तो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, मतलब लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट। जैसे आपने उधर किया उस साइड को लेकर दूसरी साइड प्रूव की, ये दूसरी साइड लेके आपने ये भी प्रूव
प्रूफ कर दी, मीन्स ये आपने ज़रूर कर लेने हैं अपने लिए, ठीक है। इसका शायद ये प्रूव ना आए लेकिन आपने ये अपने लिए ज़रूर करने हैं, या आपके समझने के लिए हैं कि आप इसको समझें ये कैसे है। इसके बाद बेटा बेटा ये देखें रिमार्क्स हैं कुछ, कि अगर लिमिट फाइंड करनी है दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो इसको अलहदा अलहदा, अगर इसकी लिमिट आपको देखो उसने बताया लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी इज़ ए लिमिट ऑफ जी ऑफ जी इज़ बी, तो उसकी आप लिमिट अलहदा अलहदा करके कर लेंगे तो ए प्लस माइनस बी आ जाएगी। ये इसमें भी अलहदा अलहदा लिमिट लगाएंगे तो ए बी आ जाएगी, इसमें के कॉन्स्टेंट अबाइड ले और लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी ए है तो वो लगा देंगे। मतलब ये जस्ट आपके पास ना उन्होंने वैसे ही कुछ थोड़े से लिखे हैं पॉइंट्स के, ये इस तरह ये रिमार्क्स याद रखिएगा, ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब मैं कंटिन्यूटी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ।